गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हम ये जो वर्कशीट करने वाले हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट से जो वर्कशीट आ रही है वो 10th क्लास की इंग्लिश की है। इसके अंदर उन्होंने एक अनसिंग पैसेज दिया है, ये 21 जुलाई की वर्कशीट है, जिसके बारे में न्यू वॉइस एक कॉमेट है जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रखा है, जो अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पे आपको देखा जा सकता है, आप खुद भी देख सकते हैं इसको। तो अनसिंग पैसेज पढ़ने के कुछ जो तरीके होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई दे उसको आप अंडरलाइन करते चाहे, ताकि आप एग्जाम में उसको बार बार रीड करने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करें। जल्दी से रीड भी कर लेते हैं। द C2020 F3 कॉमेट ए के ए का मतलब हो गया ऑल्सो नोन एज न्यू वाइज वॉज कॉट द अटेंशन ऑफ द यूज करते हैं अटेंशन ऑफ द स्टार गेजर सॉरी जो आपका गेज का मतलब हो गया घूरना, और स्टार गेजर्स हो गए जो सितारों को देखते हैं। एज दे विल बी एबल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द सेलेस्टियल इवेंट फ्रॉम जुलाई 14 ऑनवर्ड। तो जुलाई 14 ऑनवर्ड से ये इवेंट स्टार्ट हो रखा है, मतलब कॉमेट आपको देखा जा सकता है स्काई में, इंडियन स्काई में। द कॉमेट विल बी विजिबल टू द नेकेड आई फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज। जो आने वाले 14 जुलाई से आगे 20 डेज के लिए आपको हर शाम को 20 मिनट्स के लिए आपको ये दिखाई दे सकता है। ऑन जुलाई 14 द कॉमेट वॉज विजिबल एन आवर बिफोर द डाउन स्काई। तो डाउन स्काई का मतलब हो गया शाम का समय, जो सूरज ढलते समय। दिस विल कॉन्टिन्यू इन मिड जुलाई, दिस विल कॉन्टिन्यू टिल मिड जुलाई। हाउएवर द कॉमेट विल बी विजिबल इन द इवनिंग लेटर दिस मंथ बिफोर इट स्टार्ट टू फेड अवे इन ऑगस्ट। मतलब धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। इट विल बी विजिबल ओनली थ्रू बायनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप। तो बायनोकुलर्स आपको पता है टेलीस्कोप हो गए, जो दूर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको देखने के लिए ये काम आता है। बिफोर डिसअपीयरिंग नेक्स्ट मंथ एज इट एंटर्स द आउटर ऑर्बिट। तो धीरे धीरे ये अर्थ की ऑर्बिट से दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे दूर चला जाएगा तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। इट विल बी क्लोज टू अर्थ ऑन जुलाई 22। आज हो गई 21, तो कल है सबसे क्लोजेस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखें, बहुत ही अच्छा व्यू है ये। अगर क्लियर स्काई मिले तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, कहाँ पे देखें, किस एंगल पे देखें, किस डायरेक्शन में देखें, जरूर देखें इसको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विल बी 64 मिलियन और 103 मिलियन किलोमीटर। तो ये इतना दूर है हमारे अर्थ से इस समय। फ्रॉम जुलाई 14 C2020 F3, ये इसका साइंटिफिक नेम है, अ कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27। तो मार्च 27 को डिस्कवर करा गया था। विल बी क्लियरली विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट स्काई। तो आपको डायरेक्शन भी बता दी है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको देखना है तो आपको वो मिल जाएगा। इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट फॉर 20 मिनट्स, दैट मीन्स शाम के समय, आफ्टर सनसेट, फॉर नेक्स्ट 20 डेज। पीपल कैन ऑब्जर्व फ्रॉम नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब हो गया आपको कोई भी इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बायनोकुलर्स की भी जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही क्लियर स्काई हो तो आपको वो देखने को मिल सकता है। ओडिशा प्लानिटेरियम डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI न्यूज़पेपर को बता रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास जब भी आ जाता है इसका मतलब ये किसी बंदे ने बोला है। तो जब कोई बंदा बोलता है तो हम इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखते हैं। इन द इवनिंग टू फॉलो द कॉमेट विल रैपिडली क्लाइंब हायर इन द स्काई एंड विल बी विजिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ही एडेड द न्यू वायर्स विल बी विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई विच इज 20 डिग्री फ्रॉम द होराइजन। मतलब ज्यादा ऊंचा मत देखना, 20 डिग्री बहुत ही छोटा होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। सामने देखना, अगर बिल्डिंग सामने है तो छत पे जाके देखो,
तो सामने की तरफ अगर जितना क्लियर स्काई होगा आपको ये देखने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं और इन्होंने आपके लिए ये एक लिंक भी दे रखा है जिस लिंक को आप क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, द नेम ऑफ द कॉमेट मेंशन इन द पैसेज इज, यू नो इट वेरी क्लियरली क्या है। सबसे पहली लाइन में ही उन्होंने बता रखा है C2020F3 ऑल्सो नोन एज नियो वाइस। तो आपको ये चीज यहाँ पे लिखनी है C2020F3 नियो वाइस। ओके, नेक्स्ट आता है द कॉमेट विल बी विजिबल क्लियरली इन इंडियन स्काई ओनली इन द मंथ ऑफ, बहुत ही क्लियरली मेंशन करा उन्होंने जुलाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जुलाई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है द कॉमेट वॉज डिस्कवर्ड ऑन, एक बार फिर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप देख लें, द कॉमेट वॉज डिस्कवर्ड ऑन सी 27th of March, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 27th of March। ओके, नेक्स्ट आता है द कॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑन, आज 21st है, कल होने वाला है 22nd of July। ओके, अ वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजिशनड इन और रिलेटेड टू द स्काई, मतलब पोजिशन इन किस वर्ड से पता चल रहा है कि वो कहाँ पर होगा, तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है इसको लेकर। कुछ एक दो वर्ड्स हैं, एक तो है 20 degree फ्रॉम द होराइजन, तो होराइजन एक वर्ड है और एक डाउन डाउन स्काई, तो आप यहाँ पे रिलेटेड टू द स्काई, स्काई से रिलेटेड डाउन स्काई भी हो सकता है, होराइजन भी हो सकता है, आप होराइजन यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर सुबेंदु पटनायक सेड दैट द कॉमेट विल बी विजिबल विद नेकेड आई इन द इंडियन स्काई, प्लीज फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट से सो एंड राइट इट डाउन। तो जो डायरेक्टर है उन्होंने इस लाइन में, मैंने आपको बोला था इन्वर्टेड कॉमर्स में, यहां से उन्होंने बोला था तो ये सारा का सारा फ्रॉम जुलाई 14 दिस इज दिस, यहां से लेके यहां तक आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, यू हैव रेड अबाउट कॉमेट इन क्लास 8 इन द लेसन नेम द कॉमेट, डू यू नो ऑफ एनी पॉपुलर बिलीफ अबाउट वॉचिंग अ कॉमेट, इफ यस राइट अबाउट इट। तो आपके आपको जो पता हो वो आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कॉमेट के बारे में, कॉमेट आइस से बना होता है, आइसी होता है। ओके, इट इज आइसी इन नेचर and it has a tail, okay, एक tail जैसा होता है, जैसे कि आपको image में भी दिखाई दे रहा है, वो एक tail जैसा है, see, आपको उसकी tail दिखाई दे सकती है, और ये earth के आसपास orbit करता है, तो आप इसके बारे में और भी जो जानकारी आपको मिल सकती है या फिर आपको पता है वो आप खुद यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो सोशल साइंस की है, क्लास 10th, सेम 21st जुलाई की। सो इस वर्कशीट में गांधी जी के बारे में लिखा है, तो आके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। ही शोड अ न्यू वे ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम 1915 टू 1916। ही टूर्ड वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इन द फॉलोइंग ईयर ही बिकेम सत्याग्रह। सत्याग्रह आप सबको पता ही है, ये नॉन वायलेंस मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट करा था कि बिना हथियार के हम लड़ेंगे, बिना किसी हथियार के, बिना किसी वायलेंस के, तो इसके बारे में लिखा हुआ है गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। द टाउन ऑफ मालगुड़ी
वॉज अबाउट टू हैव अ ऑनर ऑफ रिसीविंग महात्मा गांधी. इसका मतलब हो गया कि मालगुड़ी में महात्मा गांधी स्पीच देने आ रहे थे, तो दे हैव द ऑनर ऑफ रिसीविंग महात्मा गांधी. अ माइटी क्राई रैंग आउट महात्मा गांधी की जय. माइटी क्राई मीन्स जो हम चिल्लाते हैं महात्मा गांधी की जय, इस तरीके से जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइटी क्राई रैंग. At the outset, Mahatma Gandhi explained that he would speak only in Hindi. Outset मतलब जैसे ही पहुंचे, उन्होंने जैसे स्पीच देना स्टार्ट करा तो उन्होंने बोला कि आज की जो मैं स्पीच है वो तो सिर्फ हिंदी में दूंगा. As a matter of principle, उन्होंने ये चीज बोली कि ये मेरे principles हैं कि मैं सारे पूरी जो स्पीच है वो हिंदी में दूंगा. I will not address in English. I will not address in English का मतलब हो गया I will not give the speech in English. I will not speak, talk to you in English. It is the language of rulers. Obviously उस समय English का rule चल रहा था, तो English obviously England से यहाँ पर आई है, तो वो कहते हैं कि ये rulers की language है, तो मैं वो language use नहीं करना चाहूँगा. It has enslaved us. Enslaved का मतलब हो गया हमें बंदी बना रखा है. I very much wish I could speak to you in your own sweet language. So, ये तमिलनाडु का इंस्टेंस है, तो तमिलनाडु में वो लोगों को एड्रेस करने गए थे, तो वो कह रहे हैं कि इस समय कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपकी स्वीट लैंग्वेज तमिल में बोलूँ, बट इट इज जो टाइम है वो बहुत ही कम है मेरे पास इस लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए, तो प्लीज बेयर विद मी कि मैं आपको हिंदी में ही एड्रेस करूंगा. आई नोटिस्ड टू मेन देयर टॉकिंग. तो आई का मतलब हो गया यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं. आई नोटिस्ड टू मेन देयर टॉकिंग. बूम्ड गांधी जी वॉइस. बूम्ड मतलब अचानक से उन्होंने बोला इट्स नॉट वेरी गुड टू टॉक नाउ. उन्होंने बोला कि इस समय बात करना अच्छा नहीं है, बिकॉज वो वहां पर एक सभा चल रही थी, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और गांधी जी को सुनने के लिए बैठे हुए थे. When perhaps the one next to you is anxious to listen. मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि जो आप जैसे पब्लिक में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप सुनने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके साथ वाला बंदा आपस में बात कर रहा है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है. जैसे कि आप मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी देखने की जगह पे दो लोग आपस में जोक कर रहे हैं तो आपको बहुत इरिटेशन होती है. तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि आपके साथ वाला बंदा बहुत ही एंग्शियस है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है सुनने के लिए, बट आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो दिस इज वन काइंड ऑफ हिंसा. इट इज ऑल्सो अ वायलेंस काइंड ऑफ थिंग. ये किस तरह का वायलेंस है, आप जो खुद रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें कि जब हॉल में बैठते हैं तो साथ वाला बंदा अगर आपस में बात कर रहा है या फोन पर बात कर रहा है, आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको इंट्रूजन की फीलिंग आती है कि किसी ने आपकी प्राइवेसी को तोड़ दिया है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, और सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए थी. तो ये एक तरीके से बता रहे हैं कि आज की डेट में भी उस तरीके की हिंसा होती है जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं. आगे चलते हैं, एक सेकेंड. ओके, महात्मा गांधी स्पोक ऑन नॉन वायलेंस एंड एक्सप्लेन हाउ इट कुड बी प्रैक्टिस इन डेली लाइफ. तो फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इसको डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं. It is a perfectly simple procedure provided you have faith in it. वो कह रहे हैं कि non-violence एक बहुत ही simple procedure है, but उसके लिए आपको faith होना चाहिए उसके अंदर. अगर आपने मुन्ना भाई देखी हो, मैं जब भी इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ तो मुझे मुन्ना भाई MBBS की याद आती है. तो उसके अंदर जो मुन्ना भाई जो सेकेंड पार्ट की जो बात कर रहा हूँ, गांधी जी से जो मिलता है, तो सेम चीज इसके अंदर भी बात करी है कि वो फेथ होता है, उसका फेथ होता है तो उसको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बट एट द एंड जीत उसी की होती है. तो आई पर्सनली बिलीव इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. बहुत ही टैक्सिंग होता है और बहुत ही स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग हार्ट चाहिए इस चीज को फॉलो करने के लिए. सो इफ यू विश
yourself, you will be avoided all actions, big or small, and all thoughts, however obscure, जैसी मर्जी difficulty हो. जो भी important terms होते हैं ना, उनको underline करके उनके word meanings लिखें, तो आपको vocabulary भी increase होगी आपकी. ये worksheet बहुत अच्छी हैं, इस perspective से बनाई गई हैं. Which may cause pain to another. If you are watchful, it will come to you naturally. अगर ये हम अपनी habit में डाल दें, non-violence की बात कर रहे हैं अभी, अगर ये हम अपनी habit में डाल दें non-violence को, तो बहुत ही naturally आएगा, आपको forcefully नहीं कुछ करना पड़ेगा. He said, when someone has wronged you, मतलब कुछ गलत करा है, or has done something which appears to be evil, just pray for the destruction of the evil. वो कह रहे हैं कि अगर कुछ आपके साथ कोई बंदा बुरा करता है, तो वो जो बुरा है उसके बारे में प्रे करो कि भगवान वो दूर हो जाए, वो चला जाए, ना कि वो बंदा चला जाए. तो मतलब वो जो मूवीज में भी होता है कि बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं. तो ये बहुत ही हमारे कल्चर में रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बट करने से होगा. बाबा रामदेव का डायलॉग है. तो कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन फॉर द पर्सन. सो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन, मतलब उस बंदे के लिए बहुत ही प्यार रखो, उसके बारे में अच्छा सोचो, एंड यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू ब्रिंग चेंज इन हिम. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचो, तो वो बंदा चेंज हो जाएगा. तो ये थी इसके बारे में जो टेक्स्ट है वो. तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में. मेरे को लगता है कि आप क्वेश्चंस खुद कर पाएंगे. आई थिंक इंग्लिश फ्रेमिंग में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं. ओके, क्वेश्चंस हैं ये चार. व्हाई डू यू थिंक महात्मा गांधी डिसाइडेड टू स्पीक इन हिंदी. तो यू नो दिस थिंग, ही थॉट इंग्लिश इज द रूलर्स लैंग्वेज. बहुत सिंपल था, और आप डिस्क्राइब और भी कर सकते हैं. एक सिंगल लाइन में बोला जाए तो ही थॉट दिस इज अ रूलर्स लैंग्वेज एंड वी शुड नॉट फॉलो व्हाट रूलर्स सेज, बिकॉज ही वाज सत्याग्रह पे थे, वो अगेंस्ट थे इस रूल के. सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाता है, ही टॉक्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ हिंसा, व्हाट इज इट. ही टॉक्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ हिंसा. सो बेसिकली हिंसा मीन्स वायलेंस ऑफ एनी काइंड, but what he talks about is disturbing others. ये भी एक तरीके की हिंसा है. यहाँ पर उन्होंने आपसे give examples तो बोले हैं, तो आप अपने examples आपको दे सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, can you look for such other acts of hinsa. मेरे को personally काफी बार ये feeling आती है कि जब हम bus में travel कर रहे होते हैं, पब्लिक में होते हैं, तो जो लोग बहुत ही लाउडली फोन पे बात कर रहे हैं वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं. टॉकिंग ऑन फोन लाउडली इन पब्लिक, प्लेइंग म्यूजिक ऑन और वॉचिंग वीडियोज इन पब्लिक विदाउट हेडफोन्स, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है दूसरे बंदे के लिए. फिजिकल वायलेंस तो है ही, ये तो बहुत ही सिंपल है, वो आप सबको पता है. बट ये दो जो फर्स्ट टू हैं, ये आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं. तो मेक श्योर यू आर माइंडफुल, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें दूसरों की स्पेस का भी. घर में अगर पार्टी चल रही है तो ज्यादा तेज म्यूजिक ना चलाएं, टाइम भी बंद कर दें. इंडिया में तो खासकर जब शादी होती है तो रात रात भर म्यूजिक चल रहा है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरे के क्या इश्यूज हो सकते हैं. ओके, अब्यूजिंग समवन, बुलिंग, ये सारे के सारे मैंने थोड़े एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाएं. व्हाट एडवाइस डिड गांधी जी गिव टू टैकल इविल. व्हाट डू यू थिंक इट इज ईजी. उन्होंने बताया गांधी जी टोल्ड टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. आई थिंक इट इज नॉट दैट इजी, बट इफ यू फॉलो इट, इट विल लीड टू अ गुड पर्सन. ओके, एंड आवर सोसाइटी विल बी ग्रेट टू लिव फॉर लिविंग. बेसिकली अगर नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस हम करें, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए ओवरऑल अच्छी होगी. और कैसी है वो, हाउ इज इट ईजी टू फॉलो. मैंने अपनी व्यूज लिखी हैं, आपको लगता है इट इज ईजी, तो यू कैन राइट इट इज ईजी टू फॉलो, बट इट शुड बी योर कॉल, और उसको आप
जस्टिफाई जरूर करें एक आध एग्जाम्पल के थ्रू। सो इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।